हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम जसराज और आप देख रहे हैं दसोल कंप्यूटर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन बात करेंगे डिजीपे एरर के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी जब हम डिजीपे को ओपन करते हैं तो वहाँ पर एरर हमारे को 503 देखने को मिलता है। तो वहाँ पर अगर मोबाइल में भी अपन ओपन करते हैं डिजीपे एप्लीकेशन को, तो वहाँ पर हमारे को मोबाइल में ओटीपी मोड नॉट सेलेक्टेड बता रहा है। तो ये क्यों बता रहा है, इसके लिए क्या प्रॉब्लम है? तो ये हमने भी देखा है, तो मेरे को भी यही प्रॉब्लम आ रही है। काफी लोगों का मैसेज भी आया है तो भी यही प्रॉब्लम आई है। तो अपन डीजीपे की अगर वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट में भी एरर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी डीजीपे का सर्वर है वो अपडेट चल रहा है, इसलिए हमारा डीजीपे है वो ओपन नहीं हो रहा है। उसमें कुछ ना कुछ वर्क चल रहा है, इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि डीजीपे हमारा ओपन कब होगा, हमारे को अनइंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए हमारे को डीजीपे को अनइंस्टॉल नहीं करना चाहिए, कोई भी सॉफ्टवेयर अभी अपडेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डीजीपे की वेबसाइट ओपन होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी हमारा डीजीपे है वो ओपन हो पाएगा, तभी वर्क कर पाएगा। और मोबाइल एप्लीकेशन है वो अपडेट हो गई है, उसके अंदर पिनपैड डिवाइस का ऑप्शन डाल दिया गया है, तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन वो भी अभी ओपन नहीं होगी। जब डीजीपे की वेबसाइट ओपन होगी तभी एप्लीकेशन और डीजीपे विंडो के अंदर काम करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेरे को आपको इतना ही जानकारी देना था और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।